सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ओके, द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और लाइफ के लिए भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये समझने के लिए उसको कंपेयर करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 200 रुपये है और आपने वो किसी पर्सन को, मतलब बी पर्सन को, आप है ए और आपने बी को ब्याज पर दे दिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये कैसे होता है देखो, पहली केस हम देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करेगा इस केस में। लेट अस से टू कीप इट सिंपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, और मैं ये पर एनम भी ले लेता हूं सिंपल रखने के लिए, बाद में हम सब केसेस देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, देखिए ये आपकी टाइमलाइन इस तरीके से, दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड द एंड ऑफ थर्ड ईयर, द सेम थिंग लाइक दिस ओनली, इधर भी होनी चाहिए। इधर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद आप देखिए, आपको दोनों के केस में शुरू में प्रिंसिपल दिया है आपने 200 रुपीज, यहां पे भी प्रिंसिपल 200 रुपीज दिया है। अब एक साल के बाद आपको इंटरेस्ट कितना भरना है, तो यहां पे ऑफकोर्स पी आर टी अपॉन 100, दैट इज 200 मल्टीप्लाइड बाय रेट जो कि है आपका 10 और टाइम है 1 साल, डिवाइड बाय 100। तो आपको फर्स्ट केस में इंटरेस्ट भरना होगा 20 रुपीज, ये बात क्लियर है। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही होता है, सेम कुछ भी नहीं है। तो इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपको भरना होगा 20 रुपीज, सेम यहां भी वही। अब मजे की बात इसके आगे है, अब इस साल के लिए इंटरेस्ट यहां पे कितना भरना पड़ेगा, देखिए आप पैसे आपके पास रखो या कुछ भी करो, मतलब यू आर पेइंग, मतलब आपने ये 200 रुपये दिए हैं बी को, ये आपको 2 साल के बाद पैसे लौटा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 साल का इंटरेस्ट 20 रुपीज, तो दूसरे साल का भी इंटरेस्ट उतना ही होता है, यानी कि पी आर टी, पी यहाँ पे 200 ही होगा, 10 एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, 100 तो आपका ये 20 आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट हो गया आपका 200 रुपये आपने बी को दिए थे और 1 साल का इंटरेस्ट 20 रुपीज है, तो अब इस साल में इंटरेस्ट निकालने के लिए जो आपका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल खाली 200 रुपये नहीं रहता, उसमें ये इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कितने भी साल पैसे रखे, हर साल के लिए प्रिंसिपल ओरिजिनल जितना था वैसा ही है, लेकिन यहां पे हर वक्त जो इंटरेस्ट आ रहा है एक एक साल बाद वो ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड होते जाएगा, तो ये ऐड होगा। अब इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट, तो अब कितना आएगा, 22 रुपीज। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट 22 रुपीज आ रहा है, फर्स्ट साल का और दूसरे साल का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है, लेकिन यहां पे पहले साल में 20 रुपीज, दूसरे साल में 22 रुपीज इंटरेस्ट आता है। अब तीसरे साल में क्या होगा, देखिए आपका यहां पे प्रिंसिपल 200 रुपीज था, तो इस साल के लिए आपका प्रिंसिपल कितना था, 220 रुपीज। तो इस साल के लिए, मतलब दूसरे साल से तीसरे साल, मतलब तीसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपका प्रिंसिपल होगा ये वाला, प्लस ये जो इंटरेस्ट है वो उसी में ऐड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 242। और आपका इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना बनेगा,
242 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ऑफकोर्स 1 साल है, तो इस तरीके से इधर जो भी आएगा आप देख लीजिए 24.2। यहाँ पे तीसरे साल का इंटरेस्ट भी उतना ही आता है। सो टोटल मिला के इंटरेस्ट यहाँ पे 20 20 20 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स उसको प्रिंसिपल लौटाना होगा 200 रुपये, प्लस इंटरेस्ट लौटाना होगा 20 20 20 दैट इज 60 रुपीज़। सो टोटल मिला के ये लौटाएगा 260 रुपीज़। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% कंपाउंडेड एनुअली, तो उस केस में कैसे होता है? ओरिजिनल 200 प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना है? पहला 20 रुपीज़, दूसरा 22 रुपीज़ और तीसरा 24.2 रुपीज़। तो इसको देना पड़ेगा आपको 206.2 ज्यादा, मतलब 66.2, तो 6.2 रुपीज़ ज्यादा देने पड़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, मोर देन सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 साल के लिए तो ये उतना डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन जब साल बढ़ जाते हैं ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, और इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आप देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपका लीनियरली ऐसा बढ़ता जाएगा विथ नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपका देखिए इस तरीके से बढ़ेगा, और जैसे साल बढ़ेंगे ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है। इसीलिए आइंस्टाइन ने बोला है कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हर बार हम एक एक साल का इंटरेस्ट तो नहीं निकाल सकते। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हम निकाल सकते एट अ टाइम 5 साल का, PRT डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि P उसमें फिक्स है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें P चेंज होते जा रहा है। अगर आप देखोगे पिछले एग्जाम्पल में तो कुछ इस तरीके से हुआ था। अगर आपका एक्स परसेंट रेट ऑफ कंपाउंडिंग है कंपाउंडेड एनुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पर डायरेक्टली अमाउंट का ही फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या आता है? देखिए P इंटू 1 प्लस RT डिवाइडेड बाय 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो फॉर्मूला बन जाता है आपका P 1 प्लस R बाय 100 रेस टू T। इस T को कंपाउंड इंटरेस्ट में स्पेशली N बोलते हैं। तो ये N क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, मतलब ये टाइम पीरियड ही है, अब तक के लिए यही याद रखो। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं हम, कैसे प्रूफ करेंगे? देखो मैं 3 साल की केस लेता हूं। अब अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आपको देना है टोटल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इन केस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर प्लस क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ थर्ड ईयर। ऐसे कितने भी ईयर ले सकते हो, लेकिन हम 3 सालों के लिए इसका प्रूफ कर रहे हैं, राइट? अब 1 साल के लिए तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही आता है, प्रिंसिपल उस साल का प्रिंसिपल। हाँ, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का प्रिंसिपल अलग होता है। यह है ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो अमाउंट आपने शुरू में दिया था 200 रुपए, वो है ये, लेकिन हर साल के लिए ये अलग अलग रहेगा, ठीक है? सो प्रिंसिपल एट दैट ईयर इंटू आर इंटू, एक ही साल के लिए हम निकाल रहे हैं ना, ये फर्स्ट साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट, ये तीसरे साल के लिए, तो टी का वैल्यू 1 आएगा डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका आएगा P प्लस, पहले साल के लिए तो प्रिंसिपल है आपका P, बात समझ में आ रही है? देखिए ठीक से देखना होगा आपको, कुछ इस तरीके से था, P था, यहाँ पे इंटरेस्ट 1 निकाला, यहाँ पे इंटरेस्ट 2 निकाला। दूसरे साल के लिए जो आपका P था, P फॉर द सेकंड ईयर, वो था
इनिशियल पी प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, ऐसा ही था ना। देखिए देखिए ठीक से देखिए, इधर यहाँ पे प्रिंसिपल जो है ये वाला प्रिंसिपल वो क्या है, ओरिजिनल प्रिंसिपल, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये प्रूफ सिंपल सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी नहीं है, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हम इस प्रिंसिपल को पकड़ के निकालेंगे, तो आपका प्रिंसिपल ये बन जाएगा। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट वन, उसके लिए तो प्रिंसिपल कौन है, पी। सो सिंपल है, पी आर डिवाइडेड बाय 100। अब दूसरे साल के लिए आपका प्रिंसिपल है ये, उसको हम बोलेंगे लेट अस से पी टू आर डिवाइडेड बाय 100, प्लस तीसरे साल के लिए उसको हम बोलेंगे पी थ्री आर डिवाइडेड बाय 100। अब तीसरे साल के लिए मतलब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमको इंटरेस्ट जो भी पे करना है वहां के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, देखिए वहां के लिए प्रिंसिपल होगा पी टू प्लस आई टू, मतलब ये प्रिंसिपल प्लस उसमें इंटरेस्ट मिलाना होगा, जो कि आपका आता है फाइनली पी प्लस आई वन प्लस आई टू। तो पी प्लस ये आपका पी आर अपॉन 100 प्लस ये जो पी टू है इसको मैं लिख रहा हूं, देखिए पी प्लस आई वन, लेकिन आई वन कौन है, यही तो है आई वन इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब पी आर अपॉन 100, ये हो गया आपका क्या, पी टू हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है इस आर से डिवाइडेड बाय 100। अब ये पी थ्री बहुत इंटरेस्टिंग है, पी थ्री, पी थ्री मतलब पी प्लस आई वन प्लस आई टू, आई टू है आपका ये इतना सारा, ठीक है। तो ठीक से लिखना पड़ेगा इसको, एक तो सबसे पहले बहुत बड़ा ब्रैकेट कर लेता हूं उसके लिए। अब ऑफ कोर्स ये 100 लिख लेता हूं नीचे, फिर एक अंदर ब्रैकेट कर लूंगा इस पी थ्री के लिए और इस आर को बाहर रख दूंगा। अब पी थ्री देखो क्या है, पी थ्री इज पी प्लस आई वन, पी प्लस आई वन, आई वन इज दिस प्लस आई टू, दिख रहा है ये आई टू, आई टू कौन है, देखो ये आई वन है, यही है जो यहां पे लिखा है उसी को यहां पे लिखा है मैंने, और ये आई टू है आपका, दिख रहा है ना, ये इसकी जगह पर ये लिखा है। तो आई टू कितना आएगा, उसके लिए और एक अंदर ब्रैकेट, पी प्लस पी आर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय आर।